जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए महीने में कितनी बार हमें रिलेशन बनाना चाहिए। इस तरह के आए दिन सवाल आते रहते हैं कि कितने दिन हम रिलेशन बनाएंगे और कौन से दिनों पे हम रिलेशन बनाएंगे महीने में, जिससे कि हमें प्रेग्नेंट होने में आसानी हो सके, है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। और इसी तरह के प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके। तो देखिए, जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए महीने में आप 8 से 10 बार भी रिलेशन बनाएंगे तो भी काफ़ी है ना। 8 से 10 बार कम से कम, है ना। देखिए, जिन महिलाओं को टाइम मिल रहा है ना, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड बाहर होते हैं तो उनको टाइम नहीं होता, है ना, या फिर खुद महिला वर्किंग है तो उनको टाइम नहीं होता, तो आप कम से कम 8 से 10 बार रिलेशन बना सकती हैं। अगर आपको टाइम है और आप चाहती हैं रेगुलर रिलेशन, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपकी कंसीव करने में, तो 8 से 10 बार काफ़ी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए आपका ओवुलेशन डेज, है ना। काफ़ी इजी तरीके से मैं बताऊंगी कि आपको कैसे कब अपना ओवुलेशन, अगर नहीं भी निकालना आता तो कब रिलेशन बनाना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर सके। तो पहला हो गया, आपको ओवुलेशन पता होना चाहिए। आप ओवुलेशन किट भी खरीद सकते हैं मार्केट से, है ना। तो उस पे आपको पीरियड के 10वें दिन से यूरिन, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं यूरिन से, उसी तरीके से करना होता है। और इस पे अगर आप डिटेल वीडियो चाहेंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगी कि आपको ओवुलेशन टेस्ट कैसे करना है ना, ओवुलेशन किट से, और कब कब करना होता है। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं, जिसमें आपको ओवुलेशन डेज का, अपने फर्टाइल विंडो का पता चल जाता है कि हमारा अंडा कब निकल रहा है। फिर महिलाओं को सुविधा हो जाती है उस दिन रिलेशन बनाने के लिए। तो उन दिनों में अगर आप रिलेशन बनाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा चांस आपके बन जाते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। तीसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या नहीं, है ना। 28 से 35 दिन की जो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल होती है, यानी कि किसी महिला को 28 से 28 दिन में पीरियड आ रहे हैं हर महीने तो नॉर्मल है ना। किसी को 32 दिन में आ रहे हैं नॉर्मल है, 30 दिन में आ रहे हैं, 30-30 दिन के अंतराल में आ रहे हैं ये भी नॉर्मल है ना। इसी तरीके से 35, यानी कि 28 से 35 दिन की जो साइकिल है वो नॉर्मल है ना। इसके अलावा अगर आपकी साइकिल लेंथ जो है छोटी है, 21 दिन में ही आपको पीरियड आ जाते हैं, या फिर कभी आपको 40 दिन में आ रहे हैं, और या फिर साइकिल लेंथ आपकी काफ़ी लंबी है ना, 45 दिन में आ रहे हैं पीरियड, तो वो सबसे पहले आपको रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, गायनिक के पास जाइए, ट्रीटमेंट देंगे आपको जो है, आपकी जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगी, और अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी वो भी पता चल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारी पीरियड साइकिल नॉर्मल है या फिर नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल हैं तो इसके बाद आप रेगुलर रिलेशन में रहिए, है ना। बिना टेंशन लिए आप रिलेशन में रहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन भी रिलेशन बना सकते हैं। देखिए, रिलेशन बनाने के दिन कब सही होते हैं, यानी कि फर्टाइल विंडो कब होती है, कब आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही आपकी जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाती है, 4 दिन चली ब्लीडिंग, 5 दिन चली या 7 दिन भी चली, जैसे ही आपकी पीरियड ख़त्म हो गई, है ना, उसके बाद आपको रेगुलर रिलेशन में रहना है। रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं आप रिलेशन में, है ना, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन रहिए। इसी तरीके से रेगुलर आप 8 से 10 दिन रिलेशन में रहिए, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन में आप रिलेशन में रहिए। इससे आपको क्या होगा कि गर्भ धारण करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, है ना। आपके पीरियड डेट से 14 दिन पहले ओवुलेशन हो जाता है, अंडा निकल के आ जाता है ना, और वो 12 से 48 घंटे तक जीवित रहता है आपके बच्चेदानी में। तो ओवुलेशन का भी पता होना चाहिए आपको, पीरियड डेट में से 14 दिन माइनस कर लेने हैं, चाहे आपकी 32 दिन की साइकिल है, 35 दिन की है, या फिर 28 दिन की है ना, आपको उसमें से 14 माइनस कर लेना है, यानी कि जो पिछली पीरियड आई थी, है ना, आपकी जो पीरियड डेट है उसमें से 14 माइनस कर लेने हैं। जो भी डेट निकल के आ रही है वही आपका ओवुलेशन टाइम होता है, 1-2 दिन आगे पीछे भी होता है, यानी कि जो एक मोटा मोटा ये हफ्ता रहता है वो आपका ओवुलेशन डेट होता है। जैसे आपकी ओवुलेशन
का दिन महीने का 15 तारीख को आ रहा है ना। तो 15 से 2 दिन पहले से रिलेशन में आप रहिए और 15 के 2 दिन बाद तक आप रिलेशन में रहिए, है ना। हो सके तो कोशिश कीजिए, क्योंकि यही आपका फर्टाइल विंडो होती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकें, है ना। क्योंकि 12 से 48 घंटे तक ही जो ओवम है वो जिंदा रहता है, और जो पुरुष का स्पर्म है वो 5 से 7 दिन तक जीवित रह सकता है। तो ओवुलेशन से 2 दिन पहले भी रिलेशन बनाए रहेंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी लगने में सहायता काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो ये तो आपके फर्टाइल विंडो हुई, यहाँ पे आपको रिलेशन बनाना है। इसी तरीके से आप रेगुलर रिलेशन बना सकते हैं 8 से 10 दिन तक, या फिर जब तक आपकी पीरियड नहीं आ रही है दूसरी, तब तक भी रिलेशन बना सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, है। इसके अलावा रिलेशन के बाद जो है आप लेग अप वॉल पोजिशन भी कर सकती हैं, जैसे पैर दीवार के सहारे रख सकती हैं, और जिससे कि जो स्पर्म है वो बाहर ना आए, उसको एक ग्रेविटी मिल जाए, है ना। कई बार महिलाओं की शिकायत ये रहती है कि जो स्पर्म है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन आप कर सकती हैं, है ना, जिससे कि एक ग्रेविटी मिल जाए, स्पर्म आसानी से चढ़ जाए। क्योंकि कई बार पुरुषों के जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो ज़्यादा तेज मूव नहीं कर पाते और बच्चेदानी तक नहीं जा पाते, या फिर ट्यूब में अंडे से नहीं मिल पाते। तो उसके लिए आप ये पोजिशन अपना सकती हैं, 10 से 15 मिनट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं पैर ऊपर करना है, ये आप कर सकती हैं। इसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, आपको वेट करना है अपने पीरियड डेट का, है ना। इस बीच में आप अच्छे से अच्छी डाइट लीजिए, ज़्यादा गर्म चीज़ों से बचिए, है ना, जैसे जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं जो आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन ला सकती हैं, है ना, जैसे पपीता हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बच्चेदानी में संकुचन ला सकते हैं, तो इन चीज़ों से बचिए। ज़्यादा कॉफ़ी, मिर्च मसाला, ये सब चीज़ों से, अल्कोहल वगैरह, ये सब चीज़ों से दूर रहिए, है ना। और क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है, महिलाएं गलती कर देती हैं, तो जो गर्भधारण हुआ होता है, बच्चा चिपका हुआ होता है आपके बच्चेदानी से, गर्भपात हो जाता है। तो डॉक्टर से भी मिल सकते हैं आप, डॉक्टर वहाँ पे सपोर्ट के लिए इंजेक्शन, दवाइयाँ दे सकते हैं, है ना, फॉलिक एसिड दे सकते हैं ताकि बच्चा अच्छे से चिपक सके, ग्रो हो सके प्रेगनेंसी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस बीच में आपको डाइट सही रखनी है, जैसे ही आपकी पीरियड डेट मिस हो जाती है आप उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, 1-2 दिन बाद भी कर सकती हैं। जैसे प्रेगनेंसी जो पीरियड का डेट था वो मिस हो गया, उस पर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए मॉर्निंग के यूरिन से, या फिर जो डेट मिस हो गया उसके 2 दिन बाद भी कर सकती हैं, मॉर्निंग के यूरिन से कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई महिलाएं जो हैं 6 महीने में गर्भधारण करती हैं, कई को साल भर लग जाता है ना। महिला, हर महिला की बॉडी अलग अलग है, किसी को कितना टाइम लगता है, किसी को कितना टाइम लगता है ना। तो इसके लिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गई स्टार्टिंग में, सबसे पहले अगर आपकी एज ज्यादा है ना, 30 से ऊपर की है आप जो प्री कंसेप्शन टेस्ट होते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, वो आप करा सकती हैं, गायनिक से मिलिए, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, कोई कमी तो नहीं है। आपके हस्बैंड के भी वहाँ पे ब्लड टेस्ट होंगे कि उनके जो स्पर्म काउंट सही है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, और आप में भी बच्चेदानी में कोई खराबी तो नहीं है, है ना। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एग की क्वालिटी, कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो बॉडी में जो है गड़बड़ होने लगती है, कई बार हार्मोनल इशू, है ना, क्योंकि खान पान इतना चेंज हो गया है, हर चीज़ में आपको दवाई मिलेगी, है ना, तो पहले की तरह ये मजबूती नहीं रही, है ना। तो आपको सारे इन्वेस्टिगेशन कराने हैं अगर एज ज़्यादा है आपकी, ताकि कई बार क्या होता है कि गर्भधारण हो भी जाता है तो उसके बाद वो गर्भपात हो जाता है, कुछ दिन की प्रेगनेंसी होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं बन रही है ना, कई बार और कई प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो पहले ही ये सब कराना सही है, उसके बाद आप कंसीव कीजिए। तो कई महिलाओं को 6 महीना लग जाता है, कई को साल भर, टेंशन फ्री होके आप रिलेशन बना सकते हैं। कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रीटमेंट का सहारा भी ले सकती हैं, किसी भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए और जल्द से जल्द आप कंसीव कर सकती हैं। और दूसरी बात, महिलाओं में ही प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार पुरुष के स्पर्म काउंट सही नहीं होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी सही नहीं होती है, वो ऊपर तक नहीं जा पाते बच्चेदानी में,
और अंडे से नहीं मिल पाते, तो दोनों को टेस्ट कराना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार सवाल आते हैं, हमारा सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, है ना। तो हस्बैंड के भी सारे टेस्ट करा लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है पहले ट्रीटमेंट लीजिए, फिर उसके बाद आप कंसीव कीजिए। और जो ये मैंने पॉइंट बताए, इनको आपको ध्यान में रखते हुए रिलेशन बनाना है, और अपना ओवुलेशन का टाइम आपको पता होना चाहिए। ओवुलेशन अगर आपको नहीं निकालना आता तो पीरियड के जब ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद कंटिन्यू रिलेशन रखिए आप अगला पीरियड आने तक, है ना। अगर आप रेगुलर भी नहीं रख पा रहे हैं तो 8 से 10 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन रखिए, है ना, इस तरीके से आप रख सकते हैं 8 से 10 दिन, तो वो भी आपके लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि आपके पीरियड डेट से 14 दिन पहले अंडा निकल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हमें सपोर्ट भी करते रहिए, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए और भी ला पाएँ। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।